ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से रहकर अपना खुश होकर ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, लॉकडाउन का ये 2 साल का जो पीरियड है ना, इसने हमें ज़िंदगी को एक अलग तरीके से जीना सिखा दिया है। ऐसे में हमने न जाने कितने उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया है, बट एक अलग तरीके से डट कर हमने उन सारी परेशानियों का मुकाबला किया है। ऐसे में हमने अपने आप को नए तरीके से सजाना और संवारना भी सीखा है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिसाल मैं दे रही हूँ, ये जानी मानी अभिनेत्री है गाइस, जो कि है एली अब्राहम, जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी पूरी बॉडी के ऊपर बीट रूट का पैक लगाकर दुनिया में ये मैसेज दिया कि ये जो नेचुरल और कुदरती चीज़ें होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही चमत्कार की तरह काम करती हैं, मिरेकल की तरह काम करती हैं। और इस दौरान हम ना पार्लर गए, ना हम स्पा गए, ना ही हमने ढेरों पैसा अपने ऊपर खर्च किया, बट फिर भी हमने अपने आप को सजाया है, संवारा है, निखारा है और अपने आप को पहले से बेहतर प्रेजेंट करने के लिए तैयार किया है। तो आज का ये जो वीडियो है गाइज, ये मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक पैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना सिर्फ आपकी रंगत को इवेंट बनाएगा, बल्कि आपकी स्किन की टैनिंग को भी ख़त्म करेगा, चेहरे के दाग धब्बों को हटाएगा, उसके साथ ही साथ आपको इंस्टेंटली ग्लो मिलने वाला है आज के इस पैक से। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए गाइज। अगर आप किसी शादी या पार्टी फंक्शन में जाने वाली है, इंस्टेंटली आपको निखार चाहिए, आपको ग्लो चाहिए, या फिर बहुत दिनों से आपने फेशियल नहीं कराया, तो एक बार इस पैक को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आज का मेरा ये लाइटनिंग चैलेंज का जो वीडियो है, इसको आप सभी एक्सेप्ट कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, उसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये पैक हमें किस तरह से बनाना है, बट उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया करे गाइस, तो प्लीज अपना एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो मैं अपनी फैमिली से इतना एक्सपेक्टेशन तो कर सकती हूँ कि वो मुझे एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रही हैं, आज ही मेरे चैनल पर विजिट कर रही हैं, तो इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल मेरे चैनल पर वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि ये पैक हमें किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे गाइस, इसे हम 2 स्टेप में डिवाइड करने वाले हैं। पहला हमें मसाज करना है, मसाज के लिए आप 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून कर्ड ले लें। कोशिश ये करें कि खट्टा दही हो, तो इसका रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। 1 चम्मच दही के साथ आपको सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है। दही का लैक्टिक एसिड गाइस हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन के ग्लो को बढ़ाता है, चमक को बढ़ाता है, इसके साथ साथ महीन झुर्रियाँ, रिंकल्स और फाइन लाइन्स को रिमूव करता है। ना सिर्फ ये हमारी स्किन की डलनेस को ख़त्म करता है, बल्कि अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप सिंपल दही का भी इस्तेमाल करके अपने चेहरे के टोन को इवन बना सकती हैं, अपने डार्क स्पॉट को रिमूव कर सकती हैं। ठीक है, तो दही एक बेहतरीन वर्क करता है हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए और स्पेशली ग्लो के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक का आपको मसाज करना है, और ये मसाज गाइस आपको इस तरह से करना है कि जो दही हमने 1 चम्मच लिया हुआ है, वो पूरा हमारी स्किन के अंदर समा जाए, यानी हमें इस दही को अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है। जब आप 2 से 3 मिनट तक का मसाज करेंगी, तो आप देखेंगी ये जो दही है हमारी स्किन के अंदर जज्ब हो चुका है। और अब हम बनाने वाले हैं अपना पैक। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है, वो है बीट रूट पाउडर। ठीक है, बीट रूट यानी चुकंदर जो है, वो हमारी स्किन को लाइटनिंग देता है, वाइटनिंग देता है। इसके साथ साथ स्किन की जितनी भी झुर्रियाँ हैं, डार्क सर्किल वाली प्रॉब्लम है, उसको भी ये ख़त्म करता है। बेमिसाल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर बीट रूट हमारी स्किन को ग्लो देता है। उसके अलावा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन सी का एक बहुत बड़ा खजाना इसके अंदर मौजूद है गाइस, जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंटली वाइट एंड ब्राइटन बनाता है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून बीट रूट पाउडर लिया है गाइस। मैं हर्बोटॉनिक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास बीट रूट पाउडर नहीं है, तो आप बीट रूट के जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने आपको इसका लिंक भी दे दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करके वहाँ से इसको बाय भी कर सकती हैं। ठीक है, तो 1 टीस्पून हमने बीट रूट पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद गाइस हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर। ठीक है, जो कि गर्मियों में हमारी स्किन को ठंडक देता है, उसके साथ साथ हमारे कलर को इवन करता है, स्किन की टैनिंग को ख़त्म करता है और चेहरे को एक ताजगी वाला ग्लो और निखार देता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने ऐड किया है इसमें चंदन पाउडर। इसका भी मैंने लिंक आपको दे दिया है, आप चेक करके अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें बाई कर सकती हैं वहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है गाइस, वो है फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी, जो कि आपके चेहरे के
की चिपचिपाहट को खत्म करती है, ऑयल की एक्सेस को खत्म करती है और इसके अलावा चेहरे को टाइटन भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दी है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है गाइज वो है दही। दही लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको जो दही लेना है वो खट्टा ही होना चाहिए, क्योंकि खट्टे दही में लैक्टिक एसिड भरपूर हो जाता है और ये हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, वाइटन करता है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ और रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम है तो उसको भी ये खत्म करता है, डलनेस को खत्म करके हमारी स्किन को एक नया ग्लो और निखार देता है। रोज वाटर ऐड करना है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, स्किन को ताजगी और ठंडक देता है और ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करता है। इसके बाद गाइज 1 टीस्पून हमें इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है जो कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्किन को ब्लीच करता है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाता है, स्किन के टोन को इवन करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा स्किन की डलनेस से परेशान हैं तो ये आपके मैल को काटकर इंस्टेंट वाइटनिंग भी देता है। ठीक है, तो 1 टीस्पून हमने लेमन जूस की इसमें ऐड कर दिए गाइस। अब हमें अच्छे से स्पून की हेल्प से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये हमारा पैक बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हमने जो दही का मसाज किया है गाइस, हमें अपने फेस को क्लीन नहीं करना है। बिना फेस को क्लीन किए ही आपको ये बीटरूट का पैक उसी के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आप अप्लाई करें। किसी शादी में जा रही है, पार्टी में जा रही है, फंक्शन में जाना है, आपको इंस्टेंटली अपने फेस के ग्लो के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इस बीटरूट पैक को हर स्किन टाइप के लोग अपना सकते हैं, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर अगर आप करना चाहती हैं तो लेमन को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा सूटेबल ये पैक है गाइज। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे ऑयल की एक्सेस रहती है, चिपचिपाहट रहती है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फेस पैक आपको अपने फेस के ऊपर अच्छे तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद आपको इतनी देर का वेट करना है जब तक कि हमारा पैक जो है वो सूख नहीं जाता है, यानी कम से कम आपको 25 मिनट तक इस पैक को लगा के रखना है। इसके बाद हल्का सा गीला करते हुए इस पैक को रिमूव करना है हमें गाइस। सर्कुलर मोशन में 1 सेकंड का मसाज करें, उसके बाद ठंडे पानी से आप अपने फेस को क्लीन कर लें। तो ये जो निखार आप देख रहे हैं ना, जो ग्लो आपको, ये जो शाइनिंग मेरे चीक्स के ऊपर और नोज़ के ऊपर नज़र आ रही है गाइस, ये इसी बीटरूट पैक की जो शाइनिंग है वो आपको दिख रही होगी। इंस्टेंट ग्लो और निखार आप मेरे फेस के ऊपर देख सकते हैं। आज मैंने जब इस पैक को लगाया है तो ज़बरदस्त निखार मुझे अपने फेस पे नज़र आया। उसके अलावा स्किन इतना ज़्यादा ग्लो कर रही थी, ग्लो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड हमने अपनाया है इस पैक के लिए गाइस, बट इसके रिजल्ट बेहद अमेजिंग है। इस बीटरूट पैक का इस्तेमाल करके आप भी अपनी स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग दे सकती हैं, इंस्टेंट लाइटनिंग कर सकती हैं। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने के लिए और पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले इस पैक को अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो चेहरे की रंगत बहुत ज़्यादा निखरी हो जाएगी, चेहरे पे एक पिंकिश ग्लो आ जाएगा, क्योंकि बीटरूट का काम होता है हमारी स्किन को पिंक करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा ही जितना मेथड हमने अपनाया है बिल्कुल नेचुरल है गाइस। आंखें बंद करके आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको लेमन जूस से एलर्जी है तो लेमन को आप स्किप कर दीजिए। जल्दी से पैक को ट्राई कीजिए, उसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे आपके जो रिजल्ट होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। आपके एक एक कॉमेंट को मैं पढ़ती हूँ और मुझे उससे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है, बहुत ढेर सारी खुशी मिलती है जो मेरी ऑडियंस से मुझे कितना प्यार करती है, कितना सपोर्ट करती है। तो प्लीज़ अगर ये पैक आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे आपको बहुत ही अच्छे मेरे चैनल पर रेमेडीज़, DIYs, ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू मिलने वाले हैं। और जहाँ पे भी आप एक्टिव रहते हैं, यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ पे प्लीज़ मेरे वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और ब्यूटी विद निगार फैमिली का हिस्सा बनकर इसी तरह से मेरे साथ हमेशा रहिएगा। टेक केयर, बाय।